Welcome back everyone to this next video in the series P block elements. और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स विच इज द ऑक्सीजन फैमिली. एंड आई विल स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू गो थ्रू द वीडियोस ऑन ग्रुप 15 फर्स्ट बिफोर टेकिंग अ लुक एट दिस वीडियो, क्योंकि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ग्रुप 15 में कवर करी थी, सेम चीजें हम लोग ग्रुप 16 के लिए कवर करेंगे. तो जो ट्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट्स ग्रुप 15 में हम लोग ने डीपली कवर करे हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे. सो आई विल स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू वंस अगेन टू गो थ्रू दोस वीडियोस फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग विद ग्रुप 16. और आज के इस वीडियो में वी विल टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ लुक एट व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16, और उसके बाद हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, इन विच वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और फाइनली वी विल टेक अ लुक एट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें हम लोग कवर करेंगे एटॉमिसिटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी. तो ऑलमोस्ट सेम चीजें, इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड एटॉमिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन ग्रुप 16 ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 16. तो अगर हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करते हैं, सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 16. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. सो दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. एक एलिमेंट और आता है जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट इज रेडियो एक्टिव. इनफैक्ट पोलोनियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड आवर डिस्कशन विल मेनली फोकस ऑन द फर्स्ट फोर एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम. ठीक है, तो एलिमेंट्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है. ऑक्सीजन, सल्फर आपको पता है, उसके बाद पता है आपका सेलेनियम और टेल्यूरियम. ठीक है, सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम. ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट. मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन. एंड ऑन द अदर हैंड सल्फर इज प्रेजेंट इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी. एंड सम ऑफ द मेन ओर्स ऑफ सल्फर आर जिप्सम, जो कि हमने ब्रीफली डिस्कस किया था क्लास 10th में एज वेल, राइट. इप्सम विच इज मैग्नीशियम सल्फेट विथ 7 वाटर ऑफ हाइड्रेशन, गलीना विच इज लेड सल्फाइड एंड जिंक ब्लेंड. अदर देन दिस, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ सल्फर. थिंग्स लाइक एग्स, प्रोटीन्स, अनियंस, गार्लिक, मस्टर्ड, दे ऑल कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन देम. अगर एक चीज देखो, अगर हम अनियन की बात करते हैं या गार्लिक की बात कर रहे हैं, मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इवन एग्स की बात कर रहे हैं, सो दे हैव दिस टिपिकल स्मेल, राइट. तो ये जो टिपिकल स्मेल है इन कंपाउंड्स में, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन देम. ठीक है, अनियन में भी टिपिकल स्मेल है, गार्लिक में है टिपिकल स्मेल, मस्टर्ड के अंदर स्मेल होती है, इवन एग के अंदर होती है. सो दिस स्मेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ओके, नाउ लेट्स लुक एट एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड वी विल स्टार्ट विद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज NS2NP4. मतलब इसके जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -2 टू +6.
ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी डिटेल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते टाइम पढ़ेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फर। तो सल्फर में तुम्हारे पास 3s ऑर्बिटल है, 3p है और 3d ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो s ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन है, p में यहां पर दो और सिंगल, राइट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन, सॉरी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अगर सल्फर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो इट विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, बट इन केस सल्फर दिस इलेक्ट्रॉन, राइट, सॉरी, इफ यू अनपेयर दिस 3p इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड टू लेट्स से 3d ऑर्बिटल, सो इन दिस केस इट विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4। सिमिलरली इफ यू अनपेयर दिस वन, राइट, एंड एक्साइटेड टू लेट्स से 3d, इन दिस केस इट विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6। सो देयरफॉर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजेस फ्रॉम -2 टू +6, ओके। Now, this is the general electronic configuration of different elements of group 16. तो सबके अंदर अगर आप देखोगे तो जो इसका valence shell है उसका अगर electronic configuration पर focus करोगे तो यहाँ पर 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, so on and so forth. ये आपका second period हो गया, and this is third period, fourth period, fifth and sixth. तो simple है, straight forward है, ठीक है। जब आप फोर्थ पीरियड में आओगे तो उसके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे, फिफ्थ पीरियड में आओगे तो उसके डी ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे, और अब सिक्स्थ पीरियड में आओगे तो एफ ऑर्बिटल भी फिल्ड होगा और डी ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सो नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ, कई बार डिस्कस किया, 11th क्लास में डिस्कस किया, ग्रुप 15 एलिमेंट में भी डिस्कस किया हुआ था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक साइज बढ़ता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। सो सेम ट्रेंड आपको ग्रुप 16 में भी देखने को मिलता है। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट एंड पोलोनियम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन साइज, द इंटरेस्टिंग थिंग, नाउ दिस इज अगेन वैलिड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंस इन साइज है बिटवीन टेल्यूरियम एंड पोलोनियम इज वेरी स्मॉल, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डी एंड एफ ब्लॉक ऑल्सो, एंड इवन बाई डिस्कसिंग ग्रुप 15, दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग बाय एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन टू सल्फर के बीच के अंदर साइज का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, और टेल्यूरियम और पोलोनियम के बीच में साइज का डिफरेंस देखोगे तो बहुत कम है, एंड द रीजन बीइंग पुअर स्क्रीनिंग बाय एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और ये फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, यू ओनली नीड टू मेंशन पुअर स्क्रीनिंग बाय एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट पर आ सकता है, ग्रुप 16 पर आ सकता है, ग्रुप 17 पे आ सकता है, डी और एफ ब्लॉक में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, सबके अंदर आंसर एक ही है, पुअर स्क्रीनिंग बाय एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी व्हिच इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन क्या एक्सपेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूस होगी, बिकॉज क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एज डिस्कस अर्लियर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस
बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वीक होगा, कम हो जाएगा. डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, तो इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो देयरफॉर लेस एनर्जी नीड्स टू बी स्पेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो देयरफॉर एज एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? आपकी ऑक्सीजन की हाईएस्ट, और लोएस्ट होगी पोलोनियम की. सो दिस विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पोलोनियम विल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ अगर हम ग्रुप 16 के आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं ग्रुप 15 के आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है डिस्पाइट दे बीइंग बिगर इन साइज. और इसके पीछे का रीजन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल. तो इस रीजन के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है. ठीक है, याद है आप सबको? तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आ रही होगी ना कि अपना पूरा रिवीजन चल रहा है. अगर आपने ग्रुप 15 का वीडियो अच्छे से देखा हुआ, ग्रुप 15 अच्छे से कर लिया है, तो ये आपको रिवीजन की तरह लगेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस का जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होते जा रहा है. देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, राइट? यही होती ना कि भैया आपका ये न्यूक्लियस है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट से इसको उसको अपनी तरफ पुल करना है, तो ये कितना इजीली इसको पुल करेगा अपनी तरफ. नाउ क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड देयरफॉर एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. सो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइएस्ट और लोएस्ट है पोलोनियम. इनफैक्ट ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन और उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन. इफ यू रिमेंबर मैंने एक तरीका बताया था आप लोग को अर्लियर क्लासेस के अंदर, क्या था? फोन कलीबर आईएससी. तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर कार्बन. ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अंदर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलती है. तो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज सारी कवर कर ली ग्रुप 16 एलिमेंट्स की. हमने देखा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं क्योंकि एडिशनल शेल एड हो रहा है. फिर हमने देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. फिर हमने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे मेटालिक नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स, और मेटालिक नेचर में क्या ट्रेंड है. अगेन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऑब्वियस है, क्यों? देखो अगेन जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है,
राइट, यानी एटम के लिए, एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा है. एंड दिस इज वॉट मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट. मेटेलिक कैरेक्टर क्यों है? मेटेलिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कैटायन. तो अगर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. राइट, सो दिस इज वॉट इज मेंशनड ओवर हियर ऑल्सो. ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases and so metallic character increases. Oxygen non-metal है, सबको पता है oxygen क्या है, non-metal है, right? Sulfur again is a non-metal, but when you talk about selenium and tellurium, they are metalloids and polonium is a metal. ठीक है, clear है? Same चीज, same trend था group 15 के अंदर. Nitrogen और phosphorus non-metal थे, राइट. आर्सेनिक और एंटीमनी वर योर मेटलॉइड एंड बिस्मथ वॉज अ मेटल. तो सेम ट्रेंड ग्रुप 16 में भी देखने को मिला और रीजन भी सेम है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच यू विल टच अपॉन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ऑक्सीजन का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है और इसका हाईएस्ट. इनफैक्ट एक डिफरेंस यहां पर डिफरेंस है ग्रुप 16 वर्सेस ग्रुप 15 में. ग्रुप 16 में क्या हो रहा था, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, बट यहां पर आपको रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है और ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो ग्रुप 15 में भी बढ़ रहा था रेगुलरली और ग्रुप 16 में भी रेगुलरली बढ़ ही रहा है. अगेन, जब भी हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हमें क्या देखना है, क्या देखना रहता है, हमें देखना पड़ता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्या देखना पड़ता है हमें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग है. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस. तो हमें देखना है ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं. और हमें पता है कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है साइज पे और मास पे. जितना ज्यादा साइज जितना ज्यादा मास उतने स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल फोर्सेस. तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी बढ़ेंगे. ठीक है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो देयरफॉर ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड मास द वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर. जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है सल्फर और ऑक्सीजन का वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ठीक, अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सल्फर और ऑक्सीजन का दैट डिफर्स अ लॉट, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर. अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट इज रफली 55 केल्विन और वहीं सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो दिस इज रफली 393 केल्विन. ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ये केवल मैंने आपको फील देने के लिए वैल्यूज यहां पर लिखी है कि जो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है वो रफली 55 केल्विन और जो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है वो 393 केल्विन है. तो इतना जो बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में, इसके पीछे रीजन क्या है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट इयर्स एग्जाम. तो अब हम इसका रीजन देखते हैं. अगेन रीजन सिमिलर है जो कि हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी डिस्कस किया था. तो रीजन क्या है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है हम सबको पता है. नाउ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स. याद है डिस्कस किया था नाइट्रोजन में. सो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड
and hence exist in diatomic state as gas. यानी दो एटम ऑक्सीजन के ज्वाइन करके O2 बना लेते हैं एंड इट एग्जिस्ट एज गैस. वेयर इज सल्फर? सल्फर इज नॉट एबल टू फॉर्म पी बाय बॉन्ड. तो सल्फर एग्जिस्ट एज पोलो एटॉमिक पॉली सॉरी सल्फर एग्जिस्ट एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एस एट. यानी आठ सल्फर के एटम ज्वाइन होकर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो ऑब्वियसली क्लियर है कि अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस देखेंगे विज़ाविज़ सल्फर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये मास बहुत ज्यादा है, राइट? और साइज भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो देयरफॉर वंडरवॉल फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. And hence sulfur shows much higher value of melting point and boiling point and exists as solid. ठीक है? तो same question आपका nitrogen और phosphorus पे बन सकता है, same question आपका sulfur और oxygen के पर बना है. तो remember आपको दो point लिखने हैं. पहले point में आपका आना चाहिए small size of oxygen and its ability to form pi-pi bond. ठीक? और उसी में फिर मेंशन करोगे बिकॉज ऑफ विच इट कैन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड सल्फर कैन नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया. दूसरे पॉइंट में लिखो सिंस सल्फर कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड इट एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एस एट. फाइनली गिवन द लार्ज साइज एंड मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल वंडरवॉल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर melting point and boiling point is much much higher. तो तीन point के अंदर crisply लिखोगे आपको पूरे number मिलेंगे. ठीक है? Great. Now let's take a look at final physical property which is density. As we have seen in group 15 elements also and also in P block elements, density increases down the group. देखो दो फैक्टर है density के लिए. Density क्या होती है? Mass upon volume, right? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो mass क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. Atom का size वो भी बढ़ रहा है. तो atom का size बढ़ रहा है तो volume भी बढ़ रहा है. So, दोनों न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है बट जो इंक्रीज इन मास है दैट इज डोमिनेटिंग. सो एज द रिजल्ट ऑफ विच डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ऑक्सीजन की डेंसिटी लोएस्ट होती है और पोलोनियम की डेंसिटी हाईएस्ट होती है. सो दिस इज व्हाट इज मेंशनड ओवर. ऑक्सीजन इज लोएस्ट डेंसिटी अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स ड्यू टू मच ग्रेटर इंक्रीज इन एटॉमिक मास एज कंपेयर टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. तो इसके साथ हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी थी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की वो खत्म होती है. हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया मेटालिक नेचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी. और ट्रेंड सारे सिमिलर थे जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमने देखे थे. मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्योंकि साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्यों? क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं. और वंडरवॉल फोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है और मास बढ़ रहा है. ठीक है? और डेंसिटी भी बढ़ती है डाउन द ग्रुप क्योंकि जो इंक्रीज इन मास है दैट इज मच मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम. ठीक है? सो मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है. तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. You found this particular video interesting. और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि more or less discussion will be similar to what we discussed in group 15 video.
और इस वीडियो को आप एक तरीके से फर्स्ट रिवीजन लेकर चलो। जब हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स करेंगे, सॉरी ग्रुप 17 एलिमेंट्स स्टडी करेंगे, अगेन वी विल लुक एट सेम एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दैट विल बी योर रिवीजन नंबर 2। ठीक है, तो आई एम श्योर कि इन एक ही चीज को तीन बार सुन के समझ के आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी एंड यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। इनऑर्गेनिक टिपिकली काफी थ्योरेटिकल होता है, इसलिए बच्चों को पसंद भी नहीं आता कि यार इसमें रटना बहुत पड़ता है, बट अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया अगर आपने, तो बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। ठीक ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो, कंक्लूड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अगेन आई विल एडवाइस यू टू गो थ्रू द वीडियो ऑफ ग्रुप 15 केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लुक एट ग्रुप 16 केमिकल प्रॉपर्टीज वीडियो। So, goodbye for now and we will meet soon with the next video. Thank you and bye-bye.